नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। अगर दोस्तों आप अपना नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर अपने पुराने आधार कार्ड में कोई अपडेट करवाना चाहते हैं, अपने नाम में करेक्शन करवाना चाहते हैं, एड्रेस में है जो चेंजेस करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की अपडेट है जो आप अपने आधार कार्ड में करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें है जो सेवा केंद्र में जाकर है जो ऑफलाइन एक फॉर्म है जो फिल करना पड़ता है। तो दोस्तों दो कंडीशन में हमको दो तरह के फॉर्म मिलते हैं। अगर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ है तो उसके लिए हमें है जो सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट वाला फॉर्म है जो भरने की जरूरत नहीं होती है। तो और अगर दोस्तों आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, जो भी एड्रेस प्रूफ हमारे वहाँ चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें जो फॉर्म भरना पड़ता है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट वाला फॉर्म। तो दोस्तों क्या है ये फॉर्म, किस तरह हम इसको भर सकते हैं और कौन कौन है जो इस फॉर्म के लिए है जो अप्लाई कर सकता है और जिनके पास एड्रेस प्रूफ होते हैं उनके लिए कौन सा फॉर्म होता है, तो सभी है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों वीडियो है जो बहुत ही आज मज़ेदार हमारी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों इसी तरह आधार कार्ड से रिलेटेड वीडियोस आप तक सही समय पर है जो पहुंचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड को और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है जो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट वाला फॉर्म है जो किसके लिए भरना ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप अपना नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये फॉर्म है जो भरना ज़रूरी होगा, आपको ये फॉर्म है जो भरना पड़ेगा। और सेकेंड कंडीशन हमारी ये आती है, अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके बाद क्या आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत है, तो नहीं दोस्तों आपको इसके लिए एक अलग से फॉर्म है जो भरना पड़ता है। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उस फॉर्म की वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं किस तरह वो फॉर्म भरा जाता है और क्या है वो फॉर्म। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस तरह हम सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट वाला फॉर्म है जो खुद से भर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट, तो इस फॉर्म की आपको जरूरत है जो पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो स्टार्टिंग में हमने डेट डालनी है जिस डेट को आप ये फॉर्म में जो अप्लाई करने जा रहे हैं, और उसके बाद रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अगर आप एनआरआई हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप रेजिडेंट हैं इंडिया का आप यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आगे अगर न्यू एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, और अगर आप आधार कार्ड में कोई अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पर है जो टिक करेंगे, और अगर आपके पास कोई ओल्ड आधार कार्ड है उसका आपका जो आधार नंबर है जो यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप न्यू भरवाना चाहते हैं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर है जो आपका रेजिडेंस नेम, आपका यहाँ पर है जो नेम आ जाएगा, और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारा जो आ रहा है रेजिडेंट एड्रेस केयर ऑफ। दोस्तों अगर आप किसी के घर में है जो साथ में रह रहे हैं तो उनका यहाँ पर है जो आप अपना मेंशन है जो ड्रिल कर सकते हैं, एड्रेस लाइन में है जो एड्रेस लाइन टू, एड्रेस लाइन थ्री, तो दोस्तों आपने अपनी एड्रेस लाइन भर देनी है इसी तरह सेकेंड और थर्ड, और यहाँ पर दोस्तों आपकी फ़ोटो आ जाएगी, और उसके बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हो विलेज टाउन सिटी, आपने अपना विलेज टाउन सिटी है यहाँ पर भर देना है, पोस्ट ऑफिस का नेम आगे आ जाएगा, और इसी तरह आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी और साथ में स्टेट आ जाएगी, और पिन कोड भी आपने यहाँ पर भर देना है, और डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों साइन ऑफ द रेजिडेंट, यहाँ पर साइन आ जाएंगे, और उसके बाद टू बी फिल्ड बाई दी सर्टिफायर ओनली। तो दोस्तों ये वाला जो नीचे वाला कॉलम है ये आपने नहीं भरना है, इसको कौन भरेगा चलिए इसके बारे में भी मैं आप सभी को है जो बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमको दिए गए हैं, आप जिससे अपना ये फॉर्म है जो प्रमाणित करवाएंगे या फिर सर्टिफायर है जो करवाएंगे उसी का यहाँ पर है जो आप टिक करेंगे, जैसे कि तहसीलदार, म्यूनिसिपल काउंसलर, MP, MLA, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस ऑप्शन के थ्रू आप है जो इस फॉर्म को है जो प्रमाणित करवाएंगे उसी की डिटेल है जो आप सभी ने यहाँ पर है जो उन्होंने है जब खुद से भर देनी है, और यहाँ पर है जो उनके साइन आ जाएंगे, उनकी स्टैंप लग जाएगी, और आपकी यहाँ पर जो फोटो लगी होगी वहाँ पर भी उनके साइन और साथ में है जो स्टैंप ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है वो फॉर्म, अगर आप न्यू आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं और आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो इसके लिए है जो हमारा ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट वाला फॉर्म है जो भरना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह इस फॉर्म को फिल कर लेने के बाद आगे आपने है जो सेवा केंद्र में इस फॉर्म को है जो सबमिट करवा देना होता है। सेवा केंद्र में ये फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपका आधार कार्ड अपडेट या फिर आप न्यू भी बनवा सकते हैं इस फॉर्म के माध्यम से।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगा अभी आपको पता चल गया होगा सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट वाला फॉर्म कैसे भरते हैं और किसके लिए ये भरना जरूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह आधार कार्ड से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।